उत्तराखंड में मॉनसून को आए आज तीसरा दिन है, लेकिन मॉनसून अभी से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। चार धाम समेत करीब 150 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से यात्रा पर ब्रेक लग गया है। आपको बता दें कि जिससे कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ, वहीं प्रदेश में सैकड़ों सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, जिससे न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बीती 29 जून को उत्तराखंड में मॉनसून ने दस्तक दी है, जिसके बाद लगातार भारी बारिश जारी है। बीते 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग कई जगहों पर बंद हैं। साथ ही 86 मार्ग लोक निर्माण विभाग के बंद पड़े हुए हैं। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो गढ़वाल और कुमाऊं में लगभग 150 सड़कें बंद पड़ी हैं, जिसमें नेशनल हाईवे के साथ साथ ग्रामीण सड़कें भी शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आपदा प्रबंधन की बैठक दिशा निर्देश दिए थे कि सड़क ज़्यादा देर तक बंद नहीं रहनी चाहिए। जहां पर भी मलबा आता है, तत्काल प्रभाव से इन सड़कों को खोला जाए। लेकिन लगातार बारिश की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। भूस्खलन और सड़कें बंद होने की वजह से जिला प्रशासन ने अलग अलग जगहों पर लगभग 400 यात्रियों को रोका, जो धीरे धीरे बद्रीनाथ व केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। वहीं 30 जून को ही बद्रीनाथ गंगोत्री केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कपकोट में युवक की मौत बिजली गिरने से हुई है। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।